चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की आज बैठक थी। आज जो बैठक थी ये इस साल की अंतिम बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे साथ चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर हैं दिवेश मोदगल जी, उनसे जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन किन मुद्दों को पास किया गया। जहाँ तक जी कुत्तों का विषय है, एंटी रेबिस वैक्सीन हमने फ्री प्रोवाइड करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, वो हमने एक प्रावधान किया है। साथ ही एक सबसे मेजर चीज़ है कि कुत्तों की संख्या के अंदर जो कमी नहीं आ रही, उसका कारण ये है कि कुत्ता केज का एनिमल नहीं है, कुत्ता पाउंड का एनिमल नहीं है। जो डॉग है वो पूरी तरह से टेरिटरी का एनिमल है, वो खुले में रहना चाहता है और खुले में रहने का आदी है। अगर हम उसे केज में बंद करेंगे या हम उसे किसी का तरंग पाउंड बना देंगे तो ये आपस में ही बहुत फिरोशियस हो जाते हैं, बहुत भड़क जाते हैं, एक दूसरे को काट खाएंगे, तो इसलिए इसको रख पाना संभव नहीं है। दूसरा, ABC रूल बने हुए भारत सरकार के, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, उनके तहत हम जहाँ से किसी भी डॉग को पिक करते हैं और जाके उसके बिच को स्टरलाइजेशन करते हैं, उसकी जो स्टरलाइजेशन के बाद हमको उसी टेरिटरी में वापस छोड़ना होता है, तो एक तरह से कानून के दायरों में रहते हुए काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बार बार लोगों को भी अवेयर करते हैं कि कुत्तों की जो फीडिंग है वो ना करें, किसी तरह से दूध पिलाने वाली परंपरा और ये चीज़ें ना चलाएं। जब तक फिर उनको खाना मिलता रहता है वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, उसके बाद कई बार वो भड़क जाते हैं, तो इस तरह से हमने बहुत कोशिश की। और एक पिछले सदन की बैठक के अंदर एक प्रस्ताव लाए थे जिसके तहत जो पेट डॉग है वो 500 गज की कोठी के ऊपर 3 पेट डॉग रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कितने घर के ऊपर कितने पेट डॉग रख सकते हैं, वो हमने सारे पारित किए। उसके साथ साथ हमने स्ट्रे डॉग कहते हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी एडॉप्शन का भी एक एजेंडा पास किया है, वॉलंटियरली, लेकिन उसको किसी के ऊपर बाध्य नहीं होगा वो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 कुत्ते रखता है और चौथे को भी अडॉप्ट कर लेता है तो उससे क्या है कि उसको एक होमली एनवायरनमेंट मिलता है और वो सीख जाता है, तो वो कम भड़कता है, कम काटता है। जहाँ तक कुत्तों की जनसंख्या की बात आपने कही है, हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और हज़ारों की तादाद के अंदर स्टरलाइजेशन की है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं चूक भी हो जाती है, रहती है। हम प्रयास कर रहे हैं ना हो, जनसंख्या इनकी बढ़ती रहेगी क्योंकि एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद बिच जो हम प्रयास करते हैं कि उसकी स्टरलाइजेशन हो जाए, लेकिन जिसकी स्टरलाइजेशन नहीं हुई वो तो डिलीवर करेगी और एक बार में 4 से 6 कुत्ते भी के बच्चे होते हैं पैदा, तो मल्टीप्लिकेशन मोड बहुत भारी है, बड़ा है, 4 और 6 के में मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिवेश जी, डंपिंग ग्राउंड वाला जो मुद्दा है जिसमें कूड़े के एक पहाड़ सा क्रिएट हो गया है चंडीगढ़ के पास, तो उसके लिए भी कोई चर्चा हुई या उसको भी कहीं रिमूव करने की कोई बात हो रही है? ऐसा जी, सदन की इस बैठक के अंदर चर्चा तो उन विषयों पर होगी जो एजेंडे के तौर पे लाए गए हैं। डंपिंग ग्राउंड का इशू कोई आज का नहीं है, बहुत बर्निंग इशू है शहर का और खासकर डड्डू माजा के लोग इससे बहुत परेशान हैं। इर्द गिर्द के 37-38 के लोग बहुत परेशान हैं, उसकी दुर्गंध वहाँ आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 30-35 फीट का पहाड़ लग गया है वहाँ। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जैसे दिल्ली के अंदर हम जब जाते हैं तो बाएं हाथ पर पूरा दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड देखने को मिलता है, अंदर एंटर करते ही बहुत बदसूरत लगता है, वो बदनुमा लगता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स जो 2016 भारत सरकार ने पारित किए थे उनको लागू करने के लिए NGT ने भी हमें आदेश कर दिया है। साथ ही मॉनिटरिंग कमेटी NGT की बनी हुई है, उसकी निगाह भी चंडीगढ़ के ऊपर है। तीसरा, हाई कोर्ट ने भी हम पर कई बार पेनल्टीज लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हम पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, सारे शहर की कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया। इन विषयों को देखकर हमको कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन के मोड पर आना पड़ेगा और सेग्रीगेशन एट सोर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना होगा। देखिए, समस्या के मूल पर चाहिए। अगर गार्बेज जनरेटर जनरेट करता रहेगा और उसके निस्तारण और निवारण का प्रबंधन नहीं होगा तो ये पहाड़ आज जितना है इससे 10 गुना बड़ा पहाड़ बनेगा, बिल्कुल तय है। हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने बहुत प्रयास किया 10 महीने में। लीगेसी माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये सारा का सारा पहाड़ खत्म हो जाना है। और मैं आपको बता दूं, पहाड़ ही खत्म नहीं होना, डंपिंग ग्राउंड का जो एक्चुअल लेवल था, जमीन जहाँ निकल आएगी वहाँ तक का सारा 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 कचरा हमको समाप्त करना है। वो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट सिटी का पार्ट है और मैं स्वयं स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम का मेंबर हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हमारी किरण खेर उसकी चेयरपर्सन है। बार बार मैंने शायद 15-16 बार ये विषय वहाँ उठाया है और चंडीगढ़ के लोगों को, डड्डू माजा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से और उन लोगों को जो कूड़े की वजह से परेशान थे। ये लीगेसी माइनिंग का इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जा रहा है, इसके बाद इसका टेंडर होगा। टेंडर होते ही हम प्रोसेस शुरू करके साइंटिफिक तरीके के साथ पूरी के पूरे विंडोज बना के उसको समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, बहुत जल्द इस पे काम होगा। लेकिन एक निवेदन मैं चंडीगढ़ के लोगों से करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कचरे के निवारण के लिए 3R को अडॉप्ट करिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस कीजिए कचरे को पैदा करना जितना कम हो सके। दूसरा,
रीयूज़ करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, रीसाइकल होने वाला मटेरियल अडॉप्ट कीजिए ताकि बार बार एक मटेरियल को रीसाइकल करके हम यूज़ कर सकें। चौथा, रिफ्यूज़ करना शुरू कीजिए। कोई आदमी अगर गंदगी फैलाता तो उसको रोकिए और स्वयं भी मना कीजिए, अपने परिवार को भी, अपने परिजनों को भी, साथ ही अपने मोहल्ले के सदस्यों को, सबको, कि ऐसा मत करिए, अपना शहर है, मेरा शहर ही मेरा घर है, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़े, नहीं तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सारी दुनिया की सबसे बड़ा भयंकर समस्या बन रहा है और एक ये ऐसा बॉम्ब है जो आज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन परोक्ष रूप से लोग इसके ऊपर बैठते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है, लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता हमको। शहर के लोग आगे आएँ, सेग्रीगेट करें कचरा और सूखे कचरे से पैसा कमाएं, गीला कचरा हमको दें, कंपोस्टिंग करें, इन हाउस कंपोस्टिंग करें, बहुत से प्रावधान आ गए। मेरे घर के अंदर पिछले लगभग 8 महीनों से गीला कचरा बाहर नहीं जा रहा, सारी कंपोस्टिंग हो रही है और सारी खाद मैं अपने ही जो बाग मेरे घर के अंदर बना हुआ छोटा सा उसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ, अपने जो परिचित हैं उनको देता हूँ। तो बस इतना आग्रह है, अगर ये करेंगे तो ये शहर बचे सुंदर रहेगा। द्विज जी, शहर में ना रेड़ी फेड़ी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई पड़ी है, अभी पिछले कई दिनों से उसको लेकर चर्चा में है और एजिटेशन चल रही है, तो इसका भी कोई सलूशन? देखिए, साफ स्पष्ट बात है, स्ट्रीट वेंडर लेवलीहुड प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार ने पारित किया है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें गवर्न करती है, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करती है। सीधे तौर पर ये जब वहाँ से पारित हुआ तो वेंडर की लेवलीहुड प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई, हमने वो बायलॉज नोटिफाई करने थे। आज खुशखबरी दे रहा हूँ आपको कि बायलॉज आज नोटिफाई होकर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास आ गए हैं, अब वेंडर्स को रिमूव करके जो ईयर मार्क्ड प्लेसेस हैं उन पर बिठाया जाएगा। लेकिन एक विषय बड़ा सेंसिटिव है कि जो हमारे दुकानदार हैं यहाँ के, उनके मन में एक ऐसा मन में एक डर बैठ गया है कि अगर ये बैठते हैं तो उनके कारोबार पर असर होगा। तो कहीं ना कहीं ये विषय संवेदन विषय है, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से इसको हैंडल करना होगा, दुकानदारों का भी काम चले और वेंडर की भी लाइवलीहुड प्रोटेक्शन हो। हम वचनबद्ध हैं कि इसको करना चाहते हैं, करें, और रेजिडेंट को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि जब कानून पारित होता है तो उसको लागू करते हुए नई व्यवस्था आती है तो उसमें समस्या होती है, लेकिन उसका निवारण भी करेंगे जल्द। ठीक, थैंक यू। ये थे दिवेश मोदगल जी, जिनका कहना है कि रेड़ी फड़ी रूल्स जो हैं वो नोटिफाई हो गए हैं और जो रेड़ी फड़ी की जो समस्या है दुकानदारों के बीच उसको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन आदित्य के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंडीगढ़ से।